नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 12 में। सिरगिट्टी का वो इलाका जहां पर पानी भरता है और गर्मी के दिन में पानी की किल्लत होती है, तो कभी पीने का पानी की समस्या तो कभी पानी भरने की समस्या, और बीमारी रोग से लोग पीड़ित है, परेशान है। पहले ये नगर पंचायत था, अब नगर निगम में आ गया है, उसके बावजूद यहाँ की समस्या हल नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या होती है बारिश में, गर्मी में और ठंड में। तो यहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरा डब गड्ढे का पानी भर जाता है, यहाँ पर सांप स्वरूप वगैरह सब पूरा निकलते हैं, बच्चे लोग निकलते हैं, तो उसमें हम लोग को ज्यादा डर रहता है। एक तो यहाँ पर लाइट भी नहीं है, लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम है। हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं हम ही लोग को मालूम रहता है। तो पहले ये इलाका ग्राम पंचायत में था, फिर धीरे से अपग्रेड होके नगर पंचायत बना और अब तो नगर निगम में शामिल हो गया। उसके बावजूद समस्या हल क्यों नहीं? कोई समस्या नहीं, सब आते हैं, पार्षद लोग देख के जाते हैं, उसके बावजूद भी हो जाएगा बोलते हैं, अभी तक के तो हुआ ही नहीं है। कब होगा भैया, इनको हमको पता नहीं। सब तो ऐसी आशा दिला के जाते हैं, अभी तक के तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ गड्ढा को भी सौंदर्यकरण करा दें करके बोलते हैं, उसको भी सौंदर्यकरण नहीं करा रहे हैं, जैसे तैसे पूरा नाली का पानी गड्ढे में आ रहा है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती है, और अमूमन पानी की किल्लत ही होती है। आप देख सकते हैं जैसे इस गड्ढे से पानी लेना पड़ता है, क्योंकि घर में पानी पहुँचता नहीं है, इस वजह से लोगों ने घर के सामने गड्ढा बना रखा है और वहाँ से पानी लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ये बीमारी से भी दो चार होते होंगे, और जो नाली का जो गंदा पानी है उसको पीने के लिए लोग मजबूर है। ऐसी मजबूरी क्यों है कि आप लोगों को यहाँ से पानी लेना पड़ता है? पानी का समस्या बताओ तो भैया नहीं आ रहा है, तो नल कनेक्शन कटवा दीजिए, ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट। हाँ, अब क्या ऑप्शन रह गया? आदमी नल नहीं रखेगा तो पिएगा कहाँ? जब आता है तब भर लेते हैं, जब नहीं आता तो इधर उधर करके व्यवस्था करते हैं। ये गड्ढा बना रखा है आप लोगों ने पानी भरने के लिए? हाँ, गड्ढा बनाए हैं, क्योंकि बगैर मोटर का तो पानी आपको ऊपर जाएगा नहीं, इसीलिए। अच्छा, हाँ। तो इन समस्याओं को बताते नहीं है कि यहाँ के इलाके के जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं या जो मेयर हैं, उनको इन समस्याओं से दो चार बताते नहीं आप लोग कि इसको हल करें? हाँ, करवाएंगे, हो जाएगा बोलते हैं भैया, लेकिन यहाँ कोई समाधान करना चाहते नहीं है। अब देखिए, सबके यहाँ सेप्टिक है, सेप्टिक का पानी इस गड्ढे पे जा रहा है, अगर उसको डाइवर्ट उधर उस साइड कर देते, रास्ते बना देते, तो ये हमारे उपयोग में आ जाता, कम से कम नहाने का नहीं, कपड़ा धोने का काम आता, जो पानी हम लोग किल्लत के लिए गर्मी में परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या का कोई समाधान करना ही नहीं चाहते, समस्या का समाधान करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। जो पूरे इस एरिया का पानी है उसको एक गड्ढे में शिफ्ट कर दिया गया है, और वो गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। का हाल है दाई, का समस्या है थी बर के? भाई सब समस्या थे, पानी के दिक्कत है, घर घर में पानी भर जाते है। अब हर चीज चिखला माटी सबसे रेंगत है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, इसीलिए अब सब परेशानी झेल रहे हैं। बोलते हैं, शिकायत करते हैं वहाँ जाके, तो उन लोगों बोलते हैं करेंगे बोलते हैं, यहाँ देखने नहीं आते हैं, और क्या बताएं। ये बीमारी वगैरह भी होती होगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पे समस्या होती है? होता है समस्या, बारिश में बीमारी पड़ता है, कीड़ा लगता है, शरीर घर में घुस जाता है, हर किस्म का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, यहाँ पर गर्मी में तो बताते हैं कि पानी की किल्लत हो जाती है और बारिश में पानी भर जाता है। आप बताइए कि क्या क्या समस्या है, कैसे ये हल होगा, इसका कोई हल ढूंढने वाला है यहाँ पर? पानी की समस्या होते है, बाहर जाता है वो पारे पारे गली में झगड़ा रही, मारपीट सब होते, तो पानी मुश्किल से एक गुंडी मिलते, यहाँ पर पानी भर जाता गड्ढा में, पूरे यहाँ बच्चे लोग जाने को बहुत परेशान होते हैं। तुमन घर के आगू में गड्ढा बना बना के रखे हो, और गंदा पानी नहीं आता ऐसा में? नहीं यार, गंदा पानी नलेज के पानी आते, और ज्यादा पानी भरते तो गंदा पानी भी आते। तो वही गंदा पानी में फिर खाना बनाता, वही गंदा पानी में नहाता धोता, तो परेशानी नहीं है? अला हल करे छान के भरता पिए भर, क्या करो, आते तो मोटर में आते, ऐसा उखर घर उखर कर जाता है, वो गली जाता है। टैंकर चार दिन दी से पार्षद है, पार्षद तो देखे भी नहीं आवे, और गड्ढा बना ला रही से तेनो मन आके चल दी, नहीं बना सकन वैसे ने, बड़े बड़े नंदिया के पुल बना थे, ते गड्ढा का है, ते गड्ढा बना नहीं सके थे, पटवा के एक पानी झिकवा के वो लोग कुछ नहीं करे, आए आके चल दे, कितना मन यह कलेक्टर आप सब डर लिख के दे, कोई सुनवाई नहीं करा थे? कोई सुनवाई नहीं आए, कोई सुनवाई करने का आते।
यहाँ पर जो लोगों की मुख्य समस्या है वो ये है कि जो सामने गड्ढा है वो दलदल सा बन गया है और इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। आप बताइए क्या तकलीफ है इस इलाके में और उस समस्या को हल करने? नहीं सर, बहुत सारी तकलीफें हैं और हम लोगों ने शिकायत भी किया था नगर पंचायत में जाके, तो वहाँ के जो अधिकारी आए थे यहाँ पे देख कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को वहाँ पे मतलब शिकायत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो भी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें वहाँ पे नगर पंचायत में शिकायत करने जाने भी नहीं दिया गया। अच्छा जी, तो आप जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे बात नहीं करते हैं? साथ ही आप कह रहे हैं कि कलेक्टर भी? पार्षद से बात कर चुके हैं, पार्षद घर पे नहीं रहते हैं, हम लोग कई लोग वहाँ पे उसके घर पे गए हैं हम लोग और शिकायत भी किए हैं, लेकिन वो घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं वो। अच्छा। उस, जी, तो इसलिए बहुत लोग मतलब गुस्से में गाली वाली भी दे दिए थे, तो वो कुछ दिन के लिए अभी मतलब एक दो बार आए देखने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग सामने से बात किए तो हम लोगों का बात इग्नोर कर दिए, वो ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों की बातों पे। जी, ये जो इलाका है खास करके जो 18 गांव को मिलाया गया, कुछ नगर पंचायत नगर पालिका और गांवों को मिला करके वार्ड को बढ़ाया गया है, बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा देने की कोशिश की जा रही थी और उस दिशा में प्रयास भी हुआ, बड़ा नगर निगम बन गया। आप लोग पंचायत से नगर पंचायत और उसके बाद अब नगर निगम में आ गए, समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? भैया जो है प्रमुख वो इधर का समाधान करना ही नहीं चाहते ना, तो करना ही नहीं चाहते तो समस्या का समाधान होगा कहाँ से? कोई करना चाहे तब तो समस्या का समाधान होगा। अब मेरे को खाना खाना है, जब मैं खाऊंगा तभी तो खाना खा पाऊंगा ना। क्यों क्यों नहीं चाहते समस्या को, कोई ध्यान क्यों नहीं देना चाहते? विधायक भी क्षेत्र के हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, वो क्यों ध्यान नहीं देना चाहते? अब पता नहीं सर क्यों इधर ये इस एरिया को ध्यान नहीं देना चाहते, अब उनको ही पता होगा कुछ कारण है जो। जी, आप बताइए क्या आप लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं जी, उनका क्या रवैया होता है, क्या कहते हैं वो लोग? अरे वो तो होंगे करके बोलते हैं सर, अभी तक का तो ध्यान देते नहीं हैं लोग। इस स्थिति में भी पब्लिक करे तो करे क्या? किस तरह की बीमारी फैलती है इस इलाके में? डायरिया वगैरह आँख वगैरह के जैसे हैजा का बीमारी हो जाता है, उल्टी टट्टी हो जाती है, ये सब की बीमारी फैलती है इनसे में। तो उस दौरान अधिकारी आते नहीं है, सर्वे नहीं करते कि इसको? यहाँ कोई सर्वे नहीं होता है, खाली शिविर लगता है वहाँ पर, बस दो चार ठो दवाई देते हैं उसके बाद जाओ बोलते हैं, ऐसे कोई मेडिसिन तो लाते नहीं है जिसमें जो काम आए, वही सस्ती सस्ती वाली मेडिसिन ला के दे देते हैं, उसके बाद कोई पुछाड़ी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं करके। सबसे बड़ा तो जो मच्छर का प्रकोप है, मलेरिया का प्रकोप है, डायरिया का प्रकोप है, इसको झेल रहे हैं लोग और सालों से यही स्थिति है। बताया जा रहा है कि जब ये पंचायत था तो भी पंचायत ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब ये नगर पंचायत बन गया तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अब तो नगर निगम है, कहा जाता है कि शहर का जो एरिया है वो बढ़ गया और उसमें बदलाव होगा, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग देख रहे हैं कि घर के सामने गड्ढा खोदा गया है और वहाँ से पानी भरते हैं लोग, ये गर्मी के दिनों में यह समस्या हो सकती है कि पानी की किल्लत हो, बारिश के दिनों में जब सब तरफ बारिश में पानी होता है, ऐसी किल्लत क्या बारिश में भी रहती है, पानी की दिक्कत होती है? जी बिल्कुल, ये जो समस्या है गर्मी में तो रहता ही है, लेकिन बरसात में भी इस तरह की समस्या लगातार बना हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब हम आज़ाद भारत में भी रह के हम ये गड्ढे के जो पानी है, जो आज कहाँ से कहाँ दुनिया तरक्की करने ले रहे हैं, लेकिन हम ये गड्ढे के पानी पीने के लिए मजबूर हैं, इसका भी किसी प्रकार समाधान नहीं है, पानी भी प्रॉपर ढंग से यहाँ नहीं मिल पाता, इस तरह से समस्या है, लेकिन समाधान करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, ना जनता ना कांग्रेस के आ रहे हैं ना बीजेपी के आ रहे हैं, तो लगभग कहा जाए कि हम अंधकार में अभी जीने को मजबूर हैं। बिल्कुल, और एक ये भी बताया जा रहा था कि इधर बारिश में जब होता है बिजली भी चली जाती है, घंटों घंटों बिजली नहीं रहती है, और साथ ही लो वोल्टेज की भी दिक्कत है। बिल्कुल, ये जो लो वोल्टेज की समस्या है वो तो है ही, लेकिन दिन में 24 घंटा में कम से कम 12 से 13 घंटा लाइट बंद रहती है, उससे हमको गुजरना पड़ता है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं और इस तरह के माहौल में रहते हैं तो इनको लाइट की अति आवश्यकता है, रात में ज़्यादातर गोल होता है यहाँ, तो उसके लिए भी आंदोलन किए थे 2-3 बार यहाँ के लोग, उसके बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है समस्या का। जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है, समाधान कैसे होगा ये प्रशासन को ढूंढना चाहिए। लोग यहाँ पर जो जी रहे हैं नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आप बताइए किस तरह की समस्या है आपको और इसके लिए क्या कोई ध्यान देने वाला है? कोई नहीं आते भैया ध्यान देने के लिए, हम तो सब इसने रोजी रोटी वाले, हम तो कमाने खाने वाले हैं,
यदि कल का 15 दिन हो गए हम घर में बैठे हैं, गिर गए कीचड़ में फिसल के, मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हो गए हैं, फिर भी मैं जा रही हूँ काम में, काम कोई देने वाले नहीं है और कमाने वाले भी नहीं है हमारे घर में, बुजुर्ग है हम लोग दो, तो उसमें भी घर में पानी भर गए, पूरा कीचड़ है घर हमारे, पूरा गिल्ला है, पानी घुस जाते हैं घर में, तो क्या करें, ऐसी समस्या, पानी का तकलीफ, अभी गंदा पानी आ रहे हैं, पी रहे हैं, क्या करेंगे उसी को, सब तबीयत खराब है। कोई पूछने आता है जब बीमार हो जाते हैं, जब आपको तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, पूछने वाला है यहाँ? कोई नहीं आते पूछने के लिए, कहाँ आते हैं कोई। बिल्कुल, जिस तरह से ये समस्या है इसको लेकर के लगातार लोग आंदोलन करते रहे हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसकी समस्या है उसको लेकर के लोग आंदोलन भी करते रहे, अपनी बात रखते रहे, लेकिन उसको हल नहीं किया जा रहा है। बिजली की समस्या यहाँ पर बताई जा रही है, लो वोल्टेज है, पानी की समस्या तो है ही, बिजली की भी समस्या है, इसको लेकर के जो पढ़ने वाले बच्चे होते होंगे उनको काफ़ी तकलीफ होती होगी, उसको कोई? जी जी, बहुत ज़्यादा, मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो क्या है कभी कभी मतलब दिन में भी हो जाता है लाइट गोल, और सोचे तो मतलब दिन में है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रोशनी में हम लोग पढ़ लेंगे, बच्चे लोग को पढ़ा लेंगे, लेकिन नाइट में जैसे अगर पढ़ाने के लिए सोचेंगे थोड़ा समय निकाल कर, तो वो भी मतलब नाइट में भी चली जाती है लाइट 4 घंटे 5 घंटे तक। और अभी मतलब बीच में मतलब 2-3 बार मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे घर में मतलब 2-3 दिनों तक लाइट ही नहीं थी। तो उस दौरान फिर कैसे समस्या हल हुआ? जब शिकायत करने पर भी कोई आया नहीं सर। अच्छा जी हाँ, शिकायत करने पर भी कोई नहीं आया जी। हम लोग देख रहे हैं कि इस इलाके में कचरे की भी बड़ी समस्या है, कचरा, ये कहा जाता है कि स्वच्छ भारत एक अभियान चल रहा है और कचरा जो है बाहर डिस्पोज करेंगे, उसको बाहर ले जाएंगे, लेकिन कचरा को यहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है, उससे किस तरह दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, कचरे वाले लोग भी आते हैं तो कचरा को यहीं पटक देते हैं, आसपास वाले को प्रॉब्लम होती है, बदबू आती है, सब चीज़ होती है, मच्छर वगैरह फैलते हैं, लेकिन उन लोग ध्यान नहीं देते, उन लोग बोलते हैं उधर फेंकने वाले लोग बोलते हैं इधर फेंको, इधर वाले बोलते हैं उधर फेंको, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन कचरा जो डिस्पोज करने के लिए तो समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों को ये कहा गया है कि उसको डिस्पोज करे, जैसा सूखा और गीला कचरा अलग अलग रख करके, उसके बावजूद कचरा कहीं पर भी डंप कर दिया जा रहा है, ऐसी क्यों समस्या कि कचरा को यहाँ पर डंप करते हैं, क्या मजबूरी है? देखिए, एक तरफ से ये हमारी मजबूरी नहीं, ये वो जो काम करने वाले हैं या फिर अधिकारी की मजबूरी रही होगी। जो मणिकंचन केंद्र बनाया गया है सरकार के द्वारा कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत वो जितने भी नगर के कचरा है उसको कलेक्शन करके वहाँ डिस्पोज करने का, लेकिन उसके दूरी जो है थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर है, तो जो कर्मचारी हैं वो उतने दूर ले जाने के बजाय पास में जहाँ गड्ढा उड्ढा दिखता है उसी में फेंक दिया जाता है, तो जिससे मच्छर भी पनप रहा है, बीमारी भी, अगर पानी साफ रहेगा, अगर आप कचरा डालेंगे तो गंदगी फैलेगा ही, मच्छर भी पनपेगा। तो ये कहा गया था जब नगर निगम का दायरा बढ़ाया गया तो ये कहा गया था कि जो अब गाँव है वो शहर बन जाएंगे, और इसी लिहाज से ही पंचायत को, नगर पंचायत को और साथ ही जो नगर पालिका क्षेत्र थे उनको बड़ा करके और बड़ा नगर निगम बनाया गया। कुछ बदलाव हुआ तब से? ग्राम पंचायत था तो नगर पंचायत होने की जब बात आई तो हम खुश थे, बहुत खुश थे, थोड़ा बहुत विकास हुआ। नगर पंचायत से जब नगर निगम में शामिल किया तो हम बहुत खुश थे कि अब तो हमारा जो क्षेत्र है बहुत विकास करेगा, रोड अच्छे रहेंगे, नाली अच्छे रहेंगे, पानी अच्छे मिलेंगे, लाइट अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अब तो ये ऐसा हो गया कि ग्राम पंचायत की तरह जो है स्थिति उससे भी गए गुजरा स्थिति हो गया है। तो कहा जाए कि एक तरह से बोलते हैं पॉलिटिकल पर्सन लोग बोलते हैं लॉलीपॉप, तो हम जनता को लॉलीपॉप ही दिखाया जा रहा है ये। जी जी, इस इलाके में आप सड़कें देखिए, ये जो कितनी सकरी सड़क है और यहीं पर दोनों तरफ घर है, घर में जो पाइपलाइन आ रहा है वो इन्हीं गंदी नालियों के बीच से गुजर रहा है, ऐसे में जो अभी डायरिया फैला हुआ था और डायरिया के बाद मलेरिया का प्रकोप यहाँ पर फैल रहा है, तो जिस क्षेत्र में डायरिया हुआ था उस क्षेत्र को तो निगम के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर और दुनिया भर का जो दवाई है वो डाल के सुरक्षित कर लिया, लेकिन ऐसे कई एरिया हैं अभी भी आप देख सकते हैं कितना मच्छर है और कितनी गंदगी है, भगवान न करे कि ऐसा स्थिति यहाँ भी हो, लेकिन समय रहते अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जब भी मेयर यहाँ विजिट करने आते हैं तो यहाँ के जो अधिकारी हैं मेयर को मुख्य रोड से ही उनको विजिट कराते हैं और रोड को ही सफाई करते हैं, रोड में ही चूना मार्किंग ब्लीचिंग करके वो एक दिखावा की तरह मेयर को भी इग्नोर कर दिया जाता है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जो यहाँ के अधिकारी हैं और साथ ही पार्षद हैं वो लोग मुख्य सड़कों को ही दिखाते हैं, जो सिरगिट्टी इलाका है उसमें जो मुख्य समस्या है उसको नहीं बताते, लेकिन हम अभी आ रहे थे, मुख्य सड़क ही खराब है यहाँ की, उसको भी दुरुस्त नहीं किया गया क्या? यहाँ तो मेन रोड ठीक नहीं है तो गली को क्या ठीक करेंगे सर। यहाँ देखो पूरा बच्चे लोग यहाँ पूरा कीचड़ से ऐसे होते हुए
यानी स्कूल के जाने के लिए तैयारी करते हैं, पूरा कपड़े में पूरा गंदा हो जाता है बच्चे लोगों का, यहाँ तो पूरा गड्ढा गड्ढा हो जा रहा है रस्ते में। ये आ जाता है, अभी अभी नया पारा में आ जाता है, झोपड़ा पारा तो टूट गई, लेकिन ये जाता है आपका मेन रोड में ही मिलती है आपकी। तो ये रोड क्या है, बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में तो इन लोगों का कपड़ा गंदा हो जाता है, पूरा पानी यहाँ माड़ी तक पूरा भरा रहता है। आप बताइए दादा, किस तरह की समस्या है ये? सड़क पूरी खराब दिख रही है। ये सड़क राम शरण यादव जब अभी महापौर हो है, तो नगर निगम बना है तब से ये रोड को बनाने के लिए आज तक के कोई नहीं देखे, ना पार्षद देखे हैं ना कोई नहीं देखे हैं। हाँ, तो आप लोग नहीं बोलते कि सड़क को बनाया जाए मुख्य सड़क? अरे इतना बोले क्या बोलते, पैसा पास हो गया तो आज तक के पास हुआ है कि नहीं हुआ है, अब उसको ऊपर वाले जाने दो। ये नाली भी साफ सफाई नहीं दिख रही, पूरे गंदा दिख रहा है, जाम रहता है, ऐसी स्थिति रहती है, पूरा स्थिति यही है। हाँ, अभी वो देख कल या परसों थोड़ा गया थे वहाँ गिरा दिया, वहाँ गिरा दिया। अब इसको क्या है, हमारे बच्चे लोग ये देख स्कूल जा रहे हैं, अब इधर वो जा रहे हैं उधर वो जा रहे हैं। ये आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप नगर निगम में तो हैं, कहने के लिए तो शहर में है, पर वो गांव जैसी स्थिति है, क्या गांव में भी इस तरह की स्थिति दिखाई देती होगी जैसा यहाँ आया? तो नगर निगम में भैया फर्क इतना हुआ कि बस अपन टैक्स दे रहे हैं, बस यही परिवर्तन हुआ है। पहले टैक्स नहीं देते थे, अभी टैक्स दे रहे हैं, बस इतने ही परिवर्तन। नगर पंचायत है तो भी टैक्स देते होंगे, और कुछ बदलाव आपको दिखाई दिया होगा नगर निगम आने के बाद? ये देखिए ना, नाली का डाइवर्टेड ये दिखाई, ये यहाँ कहाँ से पासिंग हो पाएगा आप देख लीजिए। अच्छा। इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमें कम से कम ये जो नाली का है इसको डाइवर्ट करके इधर बनाया जाए, तो कम से कम वो तालाब बन जाए तो लोगों को राहत मिले, उससे पानी की समस्या दूर हो जाए। ये जो आसपास के तीन वार्ड बता रहे हैं आप लोग, इन तीनों वार्ड की यही समस्या है, इसी तरह के का और कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, अभी देख लीजिए वहाँ नाली खोद दिए हैं, अभी नाली तो बन नहीं रहा है, अब वो समस्या नहीं होगा वहाँ। जी, नाली खोद दी गई है, सड़कें खराब है, पानी का जमाव होता है, जब पानी नहीं होता है तो पानी की किल्लत होती है, इस तरह की समस्याएं यदि रहेंगी तो नगर निगम कर क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। साथ ही जो लोग ये उम्मीद पाले हुए थे कि अब हम लोग नगर पंचायत से नगर निगम में शामिल हो गए हैं, उनकी उम्मीदों को धक्का पहुंचा है और लोग नारकी जीवन जी रहे हैं, किस तरह की समस्या है इस इलाके में? यहाँ समस्या बहुत है, जैसे रोड क्या है, समस्या बहुत है। रोड में क्या है, बहुत ही गाड़ी गिरते हैं यहाँ पे, पानी दिक्कत हो, क्या बच्चे लोग चल रहे हैं, गाड़ी आ रहे हैं, क्या है स्कूली बच्चे हैं, अब गाड़ी ना कहेंगे भाई कीचड़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस जैसे सुविधा को देखना चाहिए कि कोई जनप्रतिनिधि इधर आता है क्या, विधायक हो, पार्षद हो या मेयर, कभी पूछने आते हैं कि क्या समस्या है इधर? नहीं नहीं, कोई कोई नहीं आता इधर। क्यों नहीं आते? और आप लोग जाते हैं कि नहीं इधर समस्या बताने? हम लोग तो बहुत गए हैं, समस्या लेके बहुत गए हैं, कोई नहीं आते यहाँ। अब बिल्कुल जो नगर निगम के नए इलाके हैं, 18 गांव को जो जोड़ा गया था, उनमें जो समस्या थी वो समस्या जस की तस है, चाहे वो नगर पंचायत हो चाहे वो ग्राम पंचायत हो। ऐसे में जिन गांवों को नगर निगम में जोड़ा गया वहां की समस्या जस की तस है, लोग डायरिया, हैजा और मलेरिया जैसी बीमारी से अभी भी दो चार हो रहे हैं। तो इन परेशानियों को हल करने के लिए निगम को ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को समस्या से निजात मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।